गोरखपुर स्थित KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीडा में आयोजित AICTE द्वारा प्रायोजित अटल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम FDP का समापन समारोह भव्यता से संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव उपाध्याय, पूर्व सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हिमांशु पांडे, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने कार्यक्रम को संबोधित किया। विशेषरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसर SP पांडे ने FDP के अंतिम सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं और इसके कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि यह नीति शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव उपाध्याय ने विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और स्वच्छ ऊर्जा के संदर्भ में इन कानूनों के महत्व को समझाया। उन्होंने वर्तमान समय में ग्रीन एनर्जी और प्रदूषण नियंत्रण के लिए इन कानूनों के पालन की आवश्यकता पर बल दिया। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हिमांशु पांडे ने स्वच्छ पेयजल उत्पादन के लिए समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने की तकनीकों और उन्नत सामग्री तथा तकनीकों को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में योगदान पर प्रकाश डाला। संस्था के अध्यक्ष इंजीनियर RD सिंह ने सभी प्रतिभागियों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम शिक्षकों को नई तकनीक और विधियों से अवगत कराते हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को इस ज्ञान का अपने शिक्षण में उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। इस FDP में विभिन्न संस्थानों के 50 प्राध्यापक, व्याख्याता और PhD शोधार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर मोहम्मद जाहिद रियाज खान ने AICTE के सभी प्रतिभागियों और विभिन्न IIT, NIT एवं विश्वविद्यालय से आए विशेषज्ञों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर संस्था के प्रबंधक निदेशक विनोद कुमार सिंह, निदेशक इंजीनियरिंग डॉक्टर मोहम्मद जाहिद रियाज खान, निदेशक फार्मेसी डॉक्टर JN मिश्रा, निदेशक मैनेजमेंट डॉक्टर जयबीर प्रताप सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शाह फतेह आजम, कार्यक्रम उप समन्वयक राहुल पटेल और KIPM टेक्निकल कैंपस से सभी शिक्षक, अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, शिक्षक एवं अन्य संस्था के शिक्षकगण उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए KIPM कॉलेज के MD विनोद कुमार सिंह ने कहा, KIPM टेक्निकल कैंपस में एक हफ्ते का अटल FDP प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जो भारत सरकार के AICTE के सहयोग के द्वारा संपन्न हो रहा था। आज उसका समापन था। कार्यक्रम की शुरुआत AKTU के वाइस चांसलर प्रोफेसर JP पांडे सर के द्वारा शुरू किया गया और जो बहुत सफल पूर्वक चला, और इसमें विभिन्न IIT के प्रोफेसर उपस्थित रहे, आकर के अपने उत्तम वक्तव्यों के द्वारा हमारे शिक्षकों को अपने अमृत वचनों से अभिभूत कराया। और कार्यक्रम का मुख्य विषय मटेरियल और क्लीन एनर्जी विषय पर चर्चा हुई। आज समापन के अवसर पर प्रोफेसर JP पांडे सर प्रोफेसर SP पांडे सर विश्वेश्वरैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के आए और वो नई शिक्षा नीति पे वक्तव्य दिए और उसके बारे में बहुत ढेर सारी बातें हमारे फैकल्टी मेंबर्स को बताए, लोगों ने आत्मसात किया। और भारत सरकार के मेंबर सेक्रेटरी, भूतपूर्व मेंबर सेक्रेटरी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, उन्होंने प्रदूषण से संबंधित जानकारी लोगों को दिया। उससे प्रदूषण के बारे में, देश में हो रहे विनाश के बारे में लोगों को अवगत कराया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रोफेसर ओम प्रकाश चौरसिया NIT पटना, डॉक्टर मनोज गुप्ता MNIT इलाहाबाद, डॉक्टर देवव्रत प्रधान IIT कानपुर, प्रोफेसर विट्ठल एल गोले मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी गोरखपुर, प्रोफेसर अजय कुमार यादव IIIT पटना, प्रोफेसर प्रभाकर सिंह सर IIT BHU आदि लोग अपने वक्तव्यों को द्वारा लोगों को अभिभूत कराया और लोगों ने उनके बताए हुए ज्ञान को आत्मसात किया।